हम आपको दिखा रहे हैं उंगलियों से थाली माता को दिख रहा है, बाबा की उंगलियों से ये थाली को ऊपर उछाल रहा है और वापस नीचे ला रहा है। और उसी तरह से ये बाबा को देखिए आप अपने गले में नर्मुंडत माला धारण किए हुए और लोगों को आशीर्वाद देते हुए रोड पर नजर आ रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं जो बाबा की सवारी में शामिल होते हैं और इन्हें देखिए ये एक अलग रूप है। इसके बाद हम देखेंगे उमा पार्वती और किस तरह से ये रूप धारण किए बच्चे। उसके बाद आती है बाबा में ऐसे लोगों की बारी जो कि थाल और डमरू बजाते हुए नज़र आते हैं। किस तरह से देखिए आप बिल्कुल मदमस्त होकर सवारी में शामिल हो रहे हैं और ये भक्त महिलाएं जो बाबा महाकाल की सवारी में शामिल हो रहे हैं। और ये वो भीड़ है जो इस तरह से देख रहे हैं आप। और सालों से निकलने वाले ये वह व्यक्ति हैं जो सिर्फ इनके सफ़ेद बाल बता रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने सालों साल बाबा की सवारी में शामिल होकर देखे किस तरह से घूम रहे हैं। और उसके बाद बारी आती है यह एक ऐसा जो कि कहीं नहीं होता, सिर्फ बाबा महाकाल की सवारी में होता है कि देखिए आप बिल्कुल बंदूक से सलामी दी जाती है ऊपर फायर करके देखें आप। उसके बाद बारी आती है इनकी, ये इनकी वेशभूषा है निराली। उसके बाद ये हैं स्वामी मुस्कुरा के उज्जैन के सबसे फेमस व्यक्ति। देखिए किस तरह से रोड पे अपने तीन दोनों साथियों के साथ में रोड पे निकल रहे हैं स्वामी मुस्कुरा के। इनकी एक अलग ही छटा है और एक अलग ही रूप है इनके जो कि हर सवारी में देखने को मिलते हैं। उसके बाद बात आती है पुलिस पार्टी। पुलिस पार्टी अपने घुड़सवारी के साथ बाबा की पालकी के साथ निकलते हैं। सबसे पहले घुड़सवारी होती है, उसके बाद पीछे राइफलधारी पुलिस वाले होते हैं और उसके बाद फिर पुलिस बैंड और उसके पीछे डमरू बजाते हुए सारे पुजारी। देखिए किस तरह से यहाँ पे पुलिस बैंड अपने निकल रहा है और उसके बाद ठीक पीछे बाबा की सवारी के लिए लोगों की भीड़। और देखिए यहाँ पर पुलिस राइफल लिए पुलिस जवान निकल रहे हैं। यह कहीं नहीं होता है, सिर्फ उज्जैन में ही बाबा महाकाल की सवारी में होता है। देखिए आप कितना बड़ा हुजूम है जो कि कहाँ कहाँ से आते हैं। और ये डमरू देखिए आप, डमरू लिए इस तरह से एक ऐसा माहौल बन जाता है उज्जैन में जो कि देखने लायक होता है। और वाकई में अगर आप जाएंगे और आप वहाँ देखेंगे तो आप महसूस करेंगे एक अलग ही वो होता है। देखिए किस तरह से यहाँ पे आदमी उछल रहा है और डांस कर, यहाँ पे सब मदमस्त होते हैं बाबा की सवारी में, सब अपने अपने रूप में निकलते हैं डमरू लिए। यहाँ पे बच्चे बड़े सब देखिए आप हाथों में लिए, एक अलग ही माहौल होता है जैसे खुद बाबा प्रजापति हाल जानने के लिए निकल चुके हैं। और देखिए आप लोग कितने खुश हैं यह सब देख के, अपने आप में एक अलग माहौल बनता है। जो जो से डमरू की आवाज़, पेंड की आवाज़ और कई तरह की आवाज़ आपके कानों में उस समय पड़ती है तो आप बिल्कुल अचंभित और आश्चर्यचकित। और बिल्कुल देखिए आप किस तरह से बाबा की सवारी का जो यह स्वरूप है आप देखेंगे तो आश्चर्य करें किस तरह से यहाँ पे भीड़ उमड़ रही है, लोग कहाँ कहाँ से। और इतनी भीड़ के बीच बाबा की पालकी देखिए आप निकल रही है। बाबा की पालकी में शुरू से ही कई भक्त लोग सालों से चलते आ रहे हैं, जिसमें उनके साथ पुलिस के आला अफसर तो होते ही हैं, पुलिस के वह जवान भी होते हैं जो बाबा की पालकी के आसपास होते हैं और भीड़ होती है। और वह लोग होते हैं जो बाबा की पालकी को उठाते हैं सालों साल, वो सेवादार होते हैं जो बाबा की पालकी को उठा कर चलते हैं। देखिए आप बाबा की पालकी कितनी खूबसूरत तरह से सजाई गई है फूलों से, और एक छतरी उनके साथ ज़रूर होती है क्योंकि वे एक बाबा जो है वो राजा के रूप में शहर में निकलते हैं तो उनके लिए पूरी वैसी व्यवस्था की जाती है। और जगह जगह पालकी होते हुए निकलती है पूरे शहर में और ये जाती है। देखिए बाबा का स्वरूप किस तरह से पालकी में बैठे हैं बाबा। उसके बाद फिर यहाँ से ये लोग नदी रामघाट पे जाते हैं, वहाँ पे बाबा का पूजा अर्चना होता है। उसके बाद वापस पालकी शाम को 7 से 8 के बीच में बाबा अपने वापस महाकाल मंदिर में पहुंच जाते हैं। और ये सवारी सिर्फ सावन के समय ही होती है, सावन के आखिरी सोमवार के बाद भी, आखिरी सवारी सावन के बाद भी होती है, लेकिन बहुत ही सुंदर जो है नज़ारा होता है। और हमेशा देखा जाता है कि बाबा के पालकी के बाद ये बैलगाड़ियों में
कई रूप होते हैं बाबा के, वह भी निकलते हैं और पीछे हाथी होता है। यह सिर्फ उज्जैन में ही देखने को मिला, बाकी कहीं नहीं। इतना सुंदर नज़ारा कि बाबा के शिवगण, बाबा के जो हैं नंदी हैं, नंदी के ऊपर भगवान विराजित हैं और उनके अलग अलग रूपों में बाबा प्रजा का हाल जानने के लिए उज्जैन की गलियों में निकलते हैं। और ये एक अपने आप में अनूठा रूप होता है जिसको देखने के लिए लाखों श्रद्धालु निकलते हैं। ये देखिए आप किस तरह से हाथी के ऊपर विराजित, तो सुंदर सवारी का नज़ारा।